फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरा गला जी बहुत खराब है, तो मेरे से ज्यादा बात नहीं हो रही। तो बस मैं आज आपको बता रही हूँ कि आज हमारे घर है अफ्तारी, और अफ्तारी पर कौन आ रहा है ये आपको थोड़ी देर बता रहे हैं। तो मैं यहाँ कर रही हूँ तैयारियाँ, तो बस फिर हम आपसे मिलते हैं जब वो सब आ जाते हैं। बस जल्दी जल्दी मुझे काम करने दे। आपको दिखाते हैं कि अनन ने क्या कुछ बनाया है अफ्तारी के बीच में। हेलो बेबीज, हेलो। आज किसकी अफ्तारी है? मामू की। तू बता। मामू की। मामू की, वेरी गुड। आधी चीजें ये हैं जी, आधी चीजें अभी फ्रिज में पड़ी हुई हैं। आधी चीजें फ्रिज में पड़ी हैं। कुछ वो चावल वगैरह बनाने हैं, कोफ्ते वगैरह बनाए हैं, ये मकरोनी वगैरह बनी है, ये चिकन बॉल्स हैं, ये इधर कोफ्ते अंडे बनाए हैं, अंडे कोफ्ते, और बिरयानी भी बन रही है। और बस मुझे जल्दी जल्दी काम करने दे, फिर मैं ना जब वो सब आते हैं ना फिर हम आपसे मिलते हैं। यहाँ से आती भी क्यों बनाऊं? तो चलें जी, अफ्तारी सारी तैयार हो गई है और मेहमान भी हमारे आ गए हैं। ये देखे अम्मी भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी हिम्मत है इसकी, बड़ी हिम्मत। शुक्र अल्लाह का, जो मेरा टारगेट था वो मैंने पूरा कर लिया। रोजा एक दो तीन चार रोजे के साथ 14 डिशे भी साथ रेडी थी, भी रेडी थी। तो अबू भी आए हैं यहाँ, आज अबू भी तारीख पे आए। थंबनेल ले लो, देखे मैंने क्या क्या बनाया। ये देखे मैंने दही मल्ले बनाए हैं, बर्गर, ब्रेड रोल, पोटैटो रोल, कटलस और समोसे रोल, चिप्स, और ये आप खाएंगे तो बताएंगे। इजाद किया कुछ टिक्का बोटी है, चने वाली चाट है, क्रीम वाली फ्रूट चाट है, मैक्रोनी है और ड्रिंक्स है, और कस्टर्ड भी है, फिरनी भी है, खाना भी है। बिरयानी और साथ में है अंडे कोफ्ते। कोफ्ते चलो एंजॉय करते हैं। चलो चल, क्या कह रहे तू? तू मेरे पास आओ ना, मैं आपको चावल कहती भाई जान भाई। तो अब जो है ना हम मीठा सर्व करने लगे, इकट्ठे कर दो। मैं तो नहीं खाना ये। अच्छा, उमेर भाई कह रहे मुझे ये डाल, वो खीर खाते हैं। मैं बस फिरनी का बैर हूँ, बस 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 बस। चलो बिस्मिल्लाह, चल आ जाओ। तो आज जो है ना मेरी दोनों माएँ आई हुई हैं मुझे ईद देने, ये भी मेरी अम्मी है और ये भी मेरी अम्मी है, इन्होंने भी मुझे पाला हुआ जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे पाला हुआ अम्मी ने। आज दोनों मेरी अम्मियाँ ना मुझे ईद देने आई हुई है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और खाना शाना अच्छा लगा? ठीक है, सारी चीजें ठीक है। चले फिर, चले अब भाई और भाभी से पूछते हैं, अबू वगैरह भी बैठे हुए हैं उधर से पूछते हैं, सबने सबको खाना पसंद आया। चले अब भाई भाभी से पूछते हैं कि उनको खाना कैसा लगा। हम साथ में कहेंगे बहुत ही मजा आया, बहुत 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 ज्यादा। 13-14 डिशें बना दी हैं ना, वो जो ब्रेड थे ना, ब्रेड रोल, वो तो कमाल के थे। मैं तो जो इसने जो बर्गर बनाया, बहुत मजे के थे, कुछ डिफरेंट चीज ट्राई की है मैंने रमजान में ना, डिफरेंट चीज। मेरी यही कोशिश थी, मेरी यही कोशिश थी कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए।
और अनंत ने पता एंड पे भी मेरे लिए आइसक्रीम भी अनंत ने मंगवाई थी। मैं इसको पता कि अफ्तारी के बाद ना मैं फीस्ट खाता हूं। फीस्ट खाता हूं तो इसने मंगवाई हुई थी मेरे लिए। खाली है हां, चुपके खाली वाली है। बच्चों आज ने मेरे साथ खाई है और मैंने खाई। अच्छा, मैं बाइक पे चुपके चुपके जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए इतनी ईद लेके आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी के मेरे लिए क्या क्या ईद में आया है। पसंद आया? बहुत पसंद आया। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। तो ये देखें आया शादी कर रही अब्दुल्ला, हमारा शोर है। हाँ जी, ठीक हो गया। आ, कैसा लगा? A1 आप जो कर गए ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्लास। चले से अबू से पूछते हैं। बहुत खुशी हुई है आप दोनों आए हैं। हाँ जी, और हमें बहुत खुशी हुई है कि आप दोनों आए हैं और आप लोगों ने टाइम निकाला और हम ऐसा तफ्तारी की है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुशकिस्मत हूँ मैं कि दोनों कट्टे आए हैं माशाल्लाह। हाँ जी, सेम टाइम, बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है। हाँ जी, तो जी सब जो है ना वो घर जा चुके हैं और अफ्तारी रात को हो गई थी और बहुत मज़ा आया और क्या कहते हैं सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सब आए और मेरे साथ इफ्तार किया। तो अब जो है ना आपको गिफ्ट दिखाने की बारी है कि उमैर भाई और आमना, वैसे तो आपने देख लिया होगा कि वो मेरे लिए क्या ईदी लेके आए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिखाऊं कि मेरे लिए क्या ईदी आई है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इसलिए मुझे भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको दिखाऊं, नहीं तो आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो अभी भी आपकी आपी जो है ना उसकी तबीयत जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लू और गला ख़राब है, तो मेडिसिन लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही। तो बस मैं ना आपको दिखाती हूँ अपनी ईद, तो आपने लाजमी मुझे बताना है कि मेरी ईद कैसी है। तो चलाए दिखाती हूँ। तो जी सबसे पहले देखिए जी, ये आई है फियोनिया जो कि थोड़ी मैंने निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। और ये माशाल्लाह से ट्रेडिशनल होता है और ये लाजमी आती है। उसके बाद जी आगे गिफ्ट की बारी, मैं गिफ्ट आपको खोल के दिखाती हूँ क्योंकि अभी इस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही आपको ना ओपन करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये बास्केट देखें कितनी खूबसूरत है, इसको खोलने को दिल ही नहीं कर रहा। चलें चलें ये बास्केट। उसके बाद जी मेरा पहले देखें आप जूता कैसा आया मेरा, ये देखें जी ECS का जूता है। और ये देखें जी चप्पल है, ये बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी है। देखें मुझे बहुत पसंद आई और सबसे अच्छी बात है कि मुझे पूरी है, क्योंकि मेरा नाप जो है ना वो सिर्फ ECS वालों के पास ही होता है और कहीं भी नहीं मिलता। तो उमैर भाई और आमना भाभी ने ना बड़ी जदोजहद करके मेरा नाप ढूंढा है। उसके बाद जी देखते हैं क्या है। उसके बाद जी अली की शर्ट है, ये भी बहुत प्यारी है, ऑफ वाइट कलर की है और उनको वैसे भी वाइट कलर, ऑफ वाइट वाइट कलर ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जी इनकी शर्ट है, तो साइड पे कर देते हैं। उसके बाद जी बारी आ जाती है बच्चों की। बच्चों की जो है वो सेम शर्ट्स है और शॉर्ट्स है। तो ये देखें, ये शर्ट है माशाल्लाह बहुत प्यारी, देखें। और इसके साथ येलो कलर की शॉर्ट्स है, दोनों के सेम है, ये देखिए सेट है पूरा, बहुत प्यारा है। और उमर का भी ऐसे ही है, अहमद का भी बिल्कुल सेम है दोनों के। अब बारी आ जाती है मेरे ड्रेस की। चलें जी, मेरा ड्रेस है, मुझे
अपना ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी सफायर का ड्रेस, ये देखें, ये देखें, सफायर का ड्रेस है और इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। देखें इसका दुपट्टा बहुत प्यारा मुझे लगा, ये देखें, कॉटन नेट होती है ना उसका इसका दुपट्टा है, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखें कलर्स कितने प्यारे हैं इसमें। जल्दी से ना मैं इसको सिलवाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। और इसके प्रिंटेड ट्राउज़र है इसका, ये देखें फ्लावर्स कितने प्यारे हैं। उसके बाद इसके साथ ये देखें, ये इसका दामन है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस पर भी, और साथ इसके स्लीव्स हैं, ये बैक आई थिंक, और साथ पैच भी दिए हुए हैं। ये देख, ये देखिए, और साथ ये घेरे पे लगेगा, और ये ट्राउज़र के लिए आई थिंक। तो बहुत ही नहीं, ये गला है, ये देखिए, ये नेक है, नेक वाला पैच है। तो जी बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। और दिखाते हैं आपको और भी कोई चीज़, और सबसे प्यारे जो है ना इयर रिंग्स मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, और बैंगल्स भी बहुत प्यारे, और बहुत दिल और प्यार से चीज़ें ली गई हैं। ये देखें जी इयर रिंग्स, देखें कितने प्यारे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। और ये बैंगल्स हैं, बैंगल्स भी आपको दिखाते हैं। तसल वाली बैंगल्स हैं जी, ये देखें, ये देखें, ये भी बहुत प्यारी हैं, बहुत पसंद आई है मुझे, थैंक यू सो मच। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे, आप मेरे लिए इतने प्यारे गिफ्ट लेके आए भाई एंड भाभी। तो जी ये थी मेरी ईद जो मुझे आई, और साथ कुछ पैसे भी थे जो मेहर भाई ने दिए, और मेरी खाला माँ भी आई हुई थी, उन्होंने भी मुझे पैसे दिए, और साथ वो केक भी लेके आई, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो भी मेरी अम्मी की तरह, उन्होंने भी मुझे, जैसे खाला जो होती हैं वो माँ की तरह ही होती हैं, प्यार करती हैं, तो इस तरह इसलिए वो मेरे लिए भी ईद लेके लाजमी आती है जब अपनी बेटियों को देने जाती हैं, तो वो मुझे भी ना क्या कहते हैं लाजमी ईद देती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई मुझे, सब आए और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, सब ने बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ की कि मैंने सबके लिए बहुत अच्छे खाना बनाया। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में अपनी आप ही को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।